जिताएंगे राहुल गांधी को, फुल बहुमत। ये तो हो गया पागल आपकी जो है। मोदी सरकार है, जिंदाबाद मोदी। मोदी जी, मोदी के खिलाफ मत बोलो। कांग्रेस ने जो काम नहीं कर पाई तो मोदी जी ने कर दिया। राहुल गांधी कह रहा मैं आलू से सोना निकालूंगा। भाई आलू है 10 रुपए किलो, 500 रुपए किलो चिप्स बिक रही है, तो आलू से सोना कैसे नहीं निकल सकता। जीएसटी लगाने वाला पहला देश है, एजुकेशन के ऊपर जीएसटी लगाने वाला। क्या बोला भैया? भाई भारत पहला देश है जीएसटी लगाने वाला। देश के किसी कोने से आओ, दिल्ली में आओ और गलत बोलते जाओ किसी के बारे में तो गलत है। घोटाला नहीं हो रहा अभी भी। कहा किस जगह, किस जगह 400 बार कर देगा। अभी आया है नहीं 400 वोट, अभी चुनाव हुआ है नहीं, घोटाला हो गया। हमारे गांव से आया तो 2-4 आदमी अभी करोड़पति बन गया है, यही बोलता कारोबार नहीं चलता है। फिर आ गए, माइक पे बोलिए ना, माइक पे, माइक पे। आराम से, आराम से। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। कोई बात नहीं है। अरे 2 महीने के बाद सबका जमानत जब्त होने वाला है। जितना भी बड़े बड़े नेता है ना, बीपी का जो है ना, मतलब गोली खाना शुरू कर देंगे अभी से ही। ये जो है ना ममता का चमचा, वो जो उसको दिखाओ जरा, दीदी का चमचा, बांग्लादेशी या बांग्लादेशी सारे मतलब जेल में जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में भी देखेगा, मैं कह रहा हूँ इस बार दिल्ली में भी देखेगा क्या मामला चल रहा है। क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, दिल्ली में ज्यादा गंदगी होगी, बता देता हूँ। दिल्ली में ज्यादा गंदगी हो रही, अब झाड़ू वाला झाड़ू नहीं लगा पा रहा है, तो इस बार योगी को लेके आएंगे और मोदी को। झाड़ू वाला तो देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कह रहे हैं। अरे सर जी, दिल्ली से भी अब खत्म होंगे। 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। आज इनकी लुगाई, इनकी लुगाई घर में सब फैसिलिटी ले रही होगी। भड़वा यही घूम रहे हैं, ठीक है, यही घूम रहे हैं। ये तेरे को कह रहा हूँ, गाली नहीं, गाली नहीं। क्या लग रहा है माहौल, ये बताइए। सबसे पहला सवाल तो कि प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? बहुत टक्कर का चुनाव है, टक्कर होने वाली। किस किस में चुनाव का? चुनाव भाई पब्लिक भी कह रही, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। टक्कर किस किस में, चुनाव कैसे होंगे? दो बात का मसला है, पार्टी, दो पार्टी है, कांग्रेस है और एक बीजेपी है, दोनों का टक्कर है। दोनों में टक्कर है? हाँ टक्कर है, घमासान टक्कर है। कैसे भाई? कैसे जनता देख रही है ना भाई, सुबह मिडिल क्लास का लोग, उसको पूरा शक है ईवीएम पे। शक क्यों है? ये विधानसभा में जो चुनाव हुआ है, विधानसभा में चुनाव हुआ है, इसमें पूरी लहर है सपा की, समाजवादी की पूरी लहर थी। और इसमें हमने खुद विधानसभा में देखा है, हम प्रयागराज यूपी के रहने वाले हैं, पश्चिमी में मेरा वोट पड़ता है केशव प्रसाद मौर्या, अभी सिद्धार्थ। अच्छा, ईवीएम में ईवीएम कहाँ कहाँ गड़बड़ी करता है? जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ, या जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ? अब जैसे कि सट्टा लॉटरी ऑनलाइन चल रहा है। मेरा सवाल क्या है? उसी तरह ईवीएम भी है। ईवीएम कहाँ गड़बड़ी करती है? जहाँ बीजेपी हार जाती है वहाँ पे, या जहाँ जीत जाती है वहाँ पे? दिखाने खाती भाई, ये तो दिखाने खाती, कहीं कोई के राज्य में हर गए, दिखाने खाती कोई कोई राज्य में हर गए। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ? में क्या दोबारा चुनाव, तो बीजेपी जीत गई। मैंने बोला बैठे हम गड़बड़ है जी, बैलेट पेपर ये है, कांग्रेस वाले हो गए पागल, जनता भी। पप्पू तो पास हो नहीं सकता किसी रात में, और जीतेगी मोदी। आप कैसे संतुष्ट होंगे फिर, ये तो बताइए भाई। हमने भी 2014 में वोट दिया, 19 में भी दिया बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है। मगर जो हिसाब से काम होना चाहिए देश में, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, अगर ये हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े चीज बनते हैं, अरे स्कूल कॉलेज एम्स खुलवाओ, मेडिकल। आपने कहा टक्कर है दोनों में, टक्कर राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं नहीं दे रहे? टक्कर जनता देगी, ये जनता भी बताएगी। तो जनता बदलाव चाह रही है, और जनता जिताएगी राहुल गांधी को, है भाई जिताएगी क्या? अभी देखो चुनाव जिताएंगे राहुल गांधी को, फुल बहुमत। बहुत मुश्किल है किसी को मिलना। ये तो हो गया पागल आपकी जो है, फुल मोदी सरकार है जिंदाबाद, और 400 से ऊपर सीट है, ये अभी लिख के ले लो और खिलेगा कमल। मुश्किल है पूर्ण बहुमत। अरे वो पप्पू कहाँ पास हो जाएगा, उसके भाषा सुनो, शक्ल देखो उसकी, हर एक चीज देखो, शक्ल में क्या कमी। चले जाओ यार, पप्पू पहले पप्पू बोल दिए, पप्पू के घर के झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। पप्पू बोल दिए पहले, बोलने पहले सोचो, पहले किसको क्या बोलना, पहले बात सही पर्सनली बोलना गलत है। उसका नाम रखा पब्लिक ने, उसका नाम पप्पू रखा, हमने पप्पू बोल रहे। मंदिरों में खाली भंडारा खाना, आज खाली खाना मालूम पीना, किसको किस टाइम क्या बोलना चाहिए पहले सोचो समझो तोलो फिर बोलो।
कि जो जो जमाने में आया खाली बोल दे मेरे भाई। मोती का अंधभगा तो कहते अंधभगा था, सब अंधभगा था। पप्पू नहीं सुनना चाहता राहुल गांधी को, बारे में लोगों का आसान पड़ता है ना, जय श्री राम बोलना आसान पड़ता है ना, तो बेपेंदी का लोटा है जिस तरह से पड़ला भारी। अब जो वोट डालने का समय आएगा वो पता चलेगा कौन बेपेंदी का लोटा। मोदी बच्चा गोदी में वो भी कह रहा मम्मी मोदी। ये एक एक घुट्टा पिला दिया, बच्चे बच्चे तक नाम कैसे पहुंचा, ये एक घुट्टा पिला दिया है बस। अब जो समझदार लोग देख रहे हैं ना कि भाई क्या विकास, बड़े लोगों का विकास हो रहा है, गुट्टा पिला दिया कह रहे मोदी जी ने सिर्फ। और क्या मोदी ना, मोदी जी, मोदी के खिलाफ मत बोलो, कांग्रेस ने जो काम नहीं कर पाई वो तो मोदी जी ने कर दिया। जिस मंत्री का मुद्दा उलझा हुआ था हमारे धर्म के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सोना निकालूंगा पब्लिक का समझने का मतलब फेयर है, कैसा रिएक्ट कर रहा है आदमी आप समझाइए। राहुल गांधी कह रहा है मैं आलू से सोना निकालूंगा, भाई आलू है 10 रुपए किलो, 500 रुपए किलो चिप्स बिक रही है, तो आलू से सोना कैसे नहीं निकल सकता। 10 रुपए किलो का आलू 500 रुपए किलो बिकेगा चिप्स से बना के, ये लोगों को समझने का फेर है। खेतों में टाइल है, अबे अच्छा टाइल है, लेकिन लेकिन वो चाहते हैं ना किसान के चिप्स बेचे, कि चिप्स तो बिजनेसमैन बेचता है और राहुल गांधी को बिजनेसमैन से बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी को बिजनेसमैन से बहुत दिक्कत है, क्यों दिक्कत है भाई, हम जो पहली नंबर से उसको क्यों दिक्कत है बिजनेसमैन से, रुक जा भाई। वो चाहते हैं ना कि जनता अमीर हो, बिजनेसमैन नहीं, कहते हैं बीजेपी है बिजनेसमैनों की पार्टी, तो हम लोगों की गरीब लोगों की पार्टी है, आप बिजनेसमैनों को बनाना चाहते हैं। बहुत साफ बहुत ईमानदार नजर आता राहुल गांधी, हाँ भाई अभी तक तो ना ईमानदार है, बिल्कुल एकदम। अगर कांग्रेस टाइम में ये होती थी कोई भी नया अगर कारोबार करते थे तो वो मतलब जो है ना वो उसकी नई अगर दुकान कोई भी किया तो पता है वो हमेशा मतलब जो है कभी न वो बेच कर निकलते थे। वो आज के डेट में कारोबार चलता ही नहीं है, है ही नहीं है कारोबार, कारोबार का कारोबार नहीं है साहब। ईमानदार थे एकदम, बिल्कुल ईमानदार है कांग्रेस के सेवा। तो फिर सिमट क्यों गई कांग्रेस पार्टी, क्यों जीत नहीं पा रही है, क्या कारण है सर? ये अभी मंदिर मस्जिद और इसके धार्मिक धार्मिक के मामले में थोड़ा सा ये हो रहा है, बरगला मतलब मोदी जी बरगला रहे हैं। अच्छा जी जी, कैसे बरगला रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर धार्मिक स्थल के वजह कर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अगर अगर क्या प्रॉब्लम हो रहा है धार्मिक बताइए। सबसे पहले बिजनेस है, कारोबार है, अगर कारोबार अगर नहीं है तो समझे कुछ भी नहीं है। आज के युवा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आज के में कोई भी युवा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या करते हैं? सर मैं ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का काम है मेरा, सबमर्सिबल का काम है। आपने तो इतना लंबा चौड़ा बता दिया, आप भी कुछ तो कुछ कर ही रहे, अपने बाकियों को कैसे बोल दो कोई कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी मेरा बात है, चूंकि मैंने मतलब जो है इन्वेंशन मैंने किया था ऑटोमेटिक पैनल का 2018 में, लेकिन मतलब हमारे भी कारोबार छिड़े गए, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अच्छा, इसलिए करके है। लेकिन तो कर रहे हैं ना काम? नहीं नहीं नहीं, काम एकदम बंद है। आपसे काम छीन लिया? जी जी बिल्कुल। नाम बताइए किसने छीना? दिलशाद हसन। ये मतलब ऐसा होता है कि मैं ऑटोमेटिक वाटर लेवल या कोई भी अगर गए मार्केट में लेकर गए तो लेकर गए और ले आने के बाद अगर दुकानदारों को मैंने दिया तो वो सैंपल कहीं और चले जाए, अडानी अंबानी या कोई अन्य मतलब जो है ना कंपनी के पास चला जाता है, अन्य में कोई भी हो सकता है, वो मतलब जो है मोदी जी के इसमें चला जाता है। तो ये छीनने का बता रहे हैं, मुस्लिम समाज से छीना जा रहा है रोजगार, ये हिंदुओं से भी छीना जा रहा है, हिंदुओं से भी छीनी जा रही है, जो मतलब जो है ना जो निचला कष्ट है, जो मोदी जी के खिलाफ है या कोई भी मामला हो या कोई निचुला है एकदम जिसको नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ पा रहे वो। भेदभाव कहाँ पे, तो दोनों से छीना जा रहा है रोजगार, तो अब तो कह रहे मुस्लिम बात, रोजगार कहाँ से मिलेगा और रोजगार है भी नहीं। खाली मतलब जो है बड़े 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 आदमी और बड़े होते जा रहे हैं और छोटे आदमी और छोटे होते जा रहे हैं, पैसे वाले और पैसे पर पैसा हो रहा है अब सब। यस सर, क्या लग रहा है भैया, रोजगार है? नहीं साहब, रोजगार नहीं है। है नहीं है सर। आप क्या करते हैं? सब कुछ है, है? पढ़े लिखे के लिए सब कुछ है। इधर आइए, पढ़े लिखे कर रहे हैं सर। नहीं है, नहीं नहीं सर, क्योंकि भारत जीएसटी लगाने वाला पहला देश है, एजुकेशन के ऊपर जीएसटी लगाने वाला। क्या बोला भैया, भारत पहला देश है जीएसटी लगाने वाला? जीएसटी तो तमाम भैया, एक मिनट भैया सुनिए, आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। जीएसटी सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में चलती है, आप इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिए।
इंडिया बेशक कुछ भी बोलिए, इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिए। खत्म कर दिया आपने, दो बेटियां पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, बीएड कर रखी है, ट्यूशन पढ़ाती है, नहीं पाएंगे जमीन से, और कमाती भी अच्छा और खाती भी अच्छा है। बताओ नहीं उठेगा ऊपर? अच्छा इन्होंने बोला नहीं उठेगा, रुक जाइए। अगर तुम देश के किसी कोने से आओ, दिल्ली में आओ और गलत बोलते जाओ किसी के बारे में, तो गलत है सर। आप सिर्फ विरोध करना है, जवाब नहीं इनके सवालों का। मुझे एक मिनट, आप कहीं से निकल गया हो, गलत बोलते जाओ, क्यों गलत गलत बोलो किसी बारे में? आप कब से मतलब जो है और कब से बिजनेस में हैं आप? मैं बिजनेस में 35 से 40 साल हो गए जी। उस वक्त कांग्रेस टाइम था ना, अभी का किसने स्टार्ट किया और कौन मतलब जो है ना किसने क्या स्टार्ट किया सर? बिजनेस किसने स्टार्ट किया है नया, जो बीजेपी के टाइम में जैसे मैंने ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल लाया था, पानी बचाने का काम किया था, आज कंपनी भी खड़ा भी नहीं कर पाया हम, क्यों? आपने कुछ अगर कांग्रेस की कंपनी भाजपा ने डुबा दी, अगर 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 कांग्रेस, आप बैंक में जाओ बात करो, स्टार्टअप में जाओ, 200 काम है स्टार्टअप में, 200 काम है, आप जाओ। अगर आप में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोली बोल रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। अगर कांग्रेस को कांग्रेस अगर नहीं आएगी क्या कर रहा आप में मेहनत कर रही है आपने खोल के कोई भी कष्ट हो आपने आप नया बिजनेस करवाओ किसी को। सुन तो लीजिए, वो बोल कह रहे हैं, अपने अपने बोले जा रहे हैं। बैंक में जाओ आप, आप स्टार्टअप का नाम लो, अपने आप आपके चार बंदे खड़े हो गए आपके पास खड़े करूंगे। क्या बात करते हो, मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा काम करे, मेरे काम हुए ऐसे होता है, 500 काम हुए मेरे, जाके देखो आप सर, ऐसा नहीं हो पाता है। ये मतलब जो है ना ये बोल रहे हैं सिर्फ, चलिए ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरे 50 केजरीवाल की कांग्रेस यहाँ पर है ना सरकार, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर उससे बैंक में जाओ। नीति होती है साहब, केंद्र सरकार का सारा मामला सिस्टम है ना यहाँ पर, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ आप अपने जहाँ भी रहते हो आप अपने वहाँ रह के बैंक से बात करो, ठीक है ना। ऐसे किसी से बोल रहे गलत मत बोलो, बहुत सारे दौड़ लगाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। सर मतलब जो है ना आधार आधार और पैन बहुत सारी बात होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। 10 आदमी है, 10,000 आदमी तो पूछ लीजिए अब यहाँ पे, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। बैंक में क्यों सुनवाई नहीं होती, क्या दिक्कत आती है? छाड़ देना सर, डॉक्यूमेंट छाड़ दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट अगर हमारा बेटा हमारा साथ नहीं देगा, अगर हमारे काम पूरा नहीं है तो सर ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स को छाड़ दिए जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है ये नहीं बड़ा ये वो नहीं बड़ा, बहुत सारी बातें हैं। या जब फर्जी ले जाओगे जब तो हटा ही देंगे, जब फर्जी ले जाओगे हटा ही देंगे। होता है और आधार कार्ड फर्जी नहीं होता है, आधार कार्ड फर्जी नहीं होता, पैन कार्ड फर्जी नहीं होता है। आधार के नाम पे बोला गया था कि आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे लोन मिलता है, बहुत सारे मतलब जो घूम भी रहे हैं और लेकिन वहाँ पे जो है ना उल्टा पुल्टा ऊंडे होता है। बैंक पर्सनल संपत्ति बिल्कुल, मैनेजर के साथ बैठो आप, कोई मना नहीं करेगा वहाँ पर। ऐसा मत बोलो, ऐसा सभी का देखना है, गलत नहीं होता है। ऐसा बैंक है, बैंक की दिक्कत है और भी दिक्कत है भाजपा में आपके हिसाब से? सर सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कारोबार नहीं है और युवा उठ नहीं पाएंगे। और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये और दिक्कत है, बिजली का तो सही है और पानी की भी समस्या लगभग सही है, जहाँ भी मतलब जाए। मैं दिक्कत तो और दिक्कत जान लेते हैं पहले, कौन से स्टेट में रहते हो आप? मैं जैसे बिहार से नहीं, दिक्कत है कारोबार का, दिक्कत है कारोबार का, दिक्कत है। अब अभी भी टीवी ठाए हुए डोल रहे हैं, कह रहे हैं कारोबार की दिक्कत है, काम तो कर तो रहे हैं आप। नहीं साहब नहीं है कारोबार, क्या है, क्यों ले जा रहे हैं इसे फिर? मतलब ये तो हम आए थे रिपेयरिंग करवाने के लिए आए थे, फेंकने जा रहे हैं इसे ही रहता हूँ मैं, दिल्ली में ही रहता हूँ, ये सीमापुरी में, सीमापुरी में रहता हूँ मैं, सीमापुरी में रहता हूँ मैं जी। मेरा ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का काम है, लेकिन यहाँ पे आज तक मैं उठ नहीं पाया, चूंकि मैं स्टार्ट मैं नहीं किया था, जब मैं आया था स्टार्टिंग में 2018 में, लेकिन वो किसी के पास दुकानदार के पास नहीं था, अगर कोई बेच भी रहे थे तो वो सक्सेस नहीं था, इसलिए छोड़ दिए थे वो। लेकिन मतलब जो है ना कार, उसके बाद हम जब लॉन्च किया उसके बाद मेरा अच्छा चलने लगा, तो वो एक दो पीस एक दो। अच्छा एक और भैया है, किसने बोला ईवीएम हटाओ देश बचाओ? क्यों ईवीएम में घोटाला होता है? में होता और क्या है, कहाँ घोटाला हुआ?
नहीं तू इंजीनियर ने कहाँ कहाँ घोटाला हुआ भैया? ओ भाई साहब क्या है आप ही जितना वकील लोग जो बनाया मुद्दा उठाया जो ईवीएम बनाया बहुत पढ़ा लिखा होगा ठीक है जवाब ठीक है नहीं जीतेगी तो ईवीएम में घोटाला तुम्हारा तो कहाँ कहाँ घोटाला हुआ ईवीएम में ये तो अरे कहाँ कहाँ घोटाला हुआ सुनो राजनीति का पॉलिटिक्स होता है सुनो राजनीति तुम बोला ना सुनना ही नहीं है बोले बोले जाना अरे सुनो तो सही मैंने सवाल है कहाँ कहाँ घोटाला हुआ पहले ये तो बताओ घोटाला कहाँ का किस किस राज्य में हुआ क्या चीज क्या आपने कहा ईवीएम घोटाला होता है कौन कौन से राज्य में हुआ घोटाला तो घोटाला नहीं हो रहा अभी ईवीएम कहा किस जगह 400 बार कर देगा आप अभी आया है नहीं 400 वोट अभी चुनाव हुआ है नहीं घोटाला हो गया क्या बात है तुम अभी प्रधानमंत्री बना है नहीं तुम पहले ही बोलते हम 400 बार जनता जनता तय करेगा ना तो जनता ये पूछ लेते बोलने से दिक्कत है 400 बार क्यों बोल रहे जो आप पूछ रहे उसका जवाब ही दे पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे ये मोदी आएगा मोदी आएगा 400 बार मोदी कहा जन भैया बीजेपी कहा बोले तो लोग बोल रहे हैं बीजेपी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री कोई भी बने लेकिन कारोबार जरूर मतलब कारोबार पे ध्यान दे नहीं हो क्या होगा 399 पे रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये भी बहुत है ये भी बहुत है क्या तय कौन करता है जनता करता है ना प्रधानमंत्री तय करेगा जनता नहीं है 400 बार कर दे अगर 400 बार प्रधानमंत्री बोलेगा तो घोटाला आवाज नहीं तो क्या हुआ उसको मालूम है ईवीएम में हम 400 ले लेंगे सही है भाई एक बात बताओ अरे मेरी बात सुन लो यार मेरी बात सुन लो ईवीएम में जवाब नहीं सुन रहा जवाब सुन एक मिनट भाई ईवीएम में बटन कितने होते हैं ये बताओ मेरे को अब ये नारे जो लग रहे हैं से दिक्कत है यार एक बार एक आदमी का टारगेट होता है अगर मैं अपने घर के अंदर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ अगर मैं अपने अंदर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ सोचता हूँ मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा है ना टारगेट सेट है 400 पर का टारगेट सेट है फुल जाएगा किसी और को मौका नहीं है तो कहीं ना कहीं चीप होगा सर अच्छा भैया एक सर चीप कैसे होता है चीप कैसे हमारे गांव से आया था हमारे गांव से आया तो दो चार आदमी अभी करोड़पति बन गया है यही बोलता कारोबार नहीं चल रहा है चार सौ पार इस मैं बताता हूँ एक मिनट बात सुनो पहले 400 पार एक मिनट मैं बताता हूँ ना बात सुनो 400 पार इसलिए होगा भी वो जमीन के अंदर जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहाँ मार्बल नहीं लगवाता नहीं पहले अब इनसे मार समझ गए राहुल गांधी उसमें मार्बल लगवाता है वहाँ पैदावार की जगह पे मार्बल लगवाएगा तो खाएगा क्या जी साहब से मोदी जी आप फिर आ गए माइक पे बोलिए ना माइक पे आराम से लड़ाई नहीं प्लीज अच्छा पीछे अरे 2 महीने के बाद सबका जमानत जब्त होने वाला है जितना भी बड़े बड़े नेता है ना बीपी का जो है ना मतलब गोली खाना शुरू कर देंगे अभी से ही बीपी हाई होने वाली है सबकी बीपी हाई होने वाली है अच्छे नेता की बीपी ये जो है ना ममता का चमचा वो जो उसको दिखाओ जरा दीदी का चमचा बांग्लादेशी सारे मतलब जेल में जाने वाले हैं सबको मतलब जेल का रोटी मतलब पिसवाएगा मोदी जी बस सिर्फ 2 महीने के बाद सिर्फ 2 महीने 2 महीने के बाद देख लेना जेल में रहेगा सरेगा 2 महीने का मतलब जानते है तू अब मर 2 महीने के बाद दिख जाएगा कह रहे हैं आप सभी देखोगे आप दिल्ली में भी देखेगा मैं कह रहा हूँ इस बार दिल्ली में भी देखेगा क्या मामला चल रहा है क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में ज्यादा गंदगी होगी बता देता हूँ दिल्ली में ज्यादा गंदगी हो रही अब झाड़ू वाला झाड़ू नहीं लगा पा रहा है तो इस बार योगी को लेके आएंगे और मोदी झाड़ू वाला तो देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कह रहे हैं अरे सर जी दिल्ली से भी अब खत्म होंगे एमसी जीता करेगा अपने मोहल्ले से
अपने अवार्ड से एमसी का इलेक्शन जरूर जीतेगा। वो एमसीडी जैसे जीते ऐसे कह रहे हैं कि लोकसभा में भी उतरेंगे, गठबंधन बड़ा मजबूत है। अरे लोग तो एक तरफ हो गए ना, कल ही सभा रहेगी उनके पास, तो लोग तो एक तरफ है, लोकसभा कैसे हो जाएगी, दोनों इकट्ठे चाहिए। वो मजबूत नहीं दिखाई देता आपको गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी? ये दो गठबंधन को छोड़ो, कितने गठबंधन इकट्ठे हुए थे पिछले दिनों में, उसका क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ उसका? कहाँ गए वो? इतने गठबंधन थे, 30-40 ही थे, तो आप 2-3 की बात कर रहे हो यार, तो क्या कुछ नहीं होने वाला उनका, कुछ भी सोची जाए ये 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। हाँ आप गठबंधन की बात कर रहे हो ना, इनमें खुद ही एकता नहीं है। वो कहता भाई मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, एक कहता है मेरे को बना दो, तो ये खुद ही लड़ रहे हैं अभी। अच्छा मुद्दा बड़ा अच्छा उठा रहे हैं कि दिल्ली में भी बदलाव चाहिए। इन भैया को दिक्कत है कि रोजगार कहाँ है, रोजगार नहीं हमारे पास। 400 के ऊपर होते बट रोजगार अगर देते तो हम खुद कहते कि भाई 400 ऊपर, बाकी रोजगार कहाँ है? मेरी भी ये राय है, ये बात हकीकत है। यहाँ पे इनसे पूछो कांग्रेस के समर्थक कितने, बीजेपी के कितने? रोजगार की बात सुनो, है इधर आइए, क्या कह रहे हैं रोजगार के बारे में? रोजगार नहीं है, साल में क्या काम लोग है, 70 साल में कहाँ थे रोजगार, कहाँ थे तबे भैया? कह रहे हैं कि 70 साल से क्यों नहीं मांगा रोजगार? सर वहाँ उस वक्त महंगाई नहीं थी ना उतना। बोलिए ना आप, गैस कितना था, गैस का रेट कितना था, पॉपुलेशन क्या थी, 12 से 20 था, अब 900। सर आप हो क्या पहले ये बताऊं, किसान हो के भाई, क्या मैकेनिक हो, इससे मतलब नहीं, इससे किसान से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री हर के होते हैं भाई, हर के होते हैं प्रधानमंत्री, हमें प्रधानमंत्री जी से शिकायत नहीं है, बिजली को लेकर शिकायत नहीं है, पानी को लेकर के शिकायत नहीं है, मैं कर रहा हूँ इस तरह का शिकायत है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार की शिकायत है। आप काम क्या करते हो भैया? आप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का काम करता हूँ, पानी बचाने का काम करता हूँ। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपको, क्या लग रहा है किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री देश का? कौन है बस, जो है चल रहे हैं वही चलेंगे आगे भी, मोदी जी, लालू प्रसाद जी आएंगे? अच्छा क्यों बोला, अच्छा आदमी है लालू, चारा घोटाला का और क्या। लालू प्रसाद को चाहते हैं वो तो बनाना भाई, हम क्यों चाहेंगे, हम मोदी जी को चाहने वाले लालू प्रसाद को चाहेंगे, बिहार के, हम तो उत्तराखंड से, हम तो मोदी जी को चाहेंगे, देवभूमि के। बस इनसे बड़े श्रेष्ठ आदमी है, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि लालू यादव को चुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो जब मुख्यमंत्री था वो उस राज को लिए क्या दे के आया है, उस राज बिहार राज को क्या कुछ दिया, पूछते हैं क्या दिया बिहार को लालू यादव जी ने? लालू ने क्या दिया है, मोदी ने क्या दिया, जब हटेगा ना जब पता चलेगा उसका क्या दिया, क्या दिया मोदी ने? मोदी ने सर को दिए हैं, घर घर सिलेंडर दिया है, घर घर बिजली पे दिया है, अंधेरे लालटेन में, अरे जिंदगी भर रहा है, गैस कितने की भर रहा है, वो गैस कितने की भर रहा है, सिलेंडर तो खुद ले लगा आदमी चला के सिस्को के बच्चे फ्री में चाहिए। अच्छा फ्री में चाहिए गैस, गैस के फ्री में नहीं तो इतनी महंगी थोड़ी ना चाहिए, 300 रुपए इतनी महंगी थोड़ी, बिहार में 300 रुपया था, अरे 400-450 रुपए का सिलेंडर था जब, फिर और क्या दिया मोदी ने, 1200 रुपए का चार दिया, 1200 रुपए का सिलेंडर बिक गया, 1200 रुपया समय फ्री, उस समय कहाँ था सिलेंडर पहुँचाता था उस समय, यहाँ जरूरत थी वो लेवे था, इधर आइए, 800 रुपए का सिलेंडर है ना अंकल जी, 3-3 दिन लाइन में लगना रहा, तो जी है 5 मिनट का सिलेंडर मिल रहा है, जी है जरूरत थी वो तो, अब महंगाई भी तो देखो, लाइन में लगने में तकलीफ नहीं होती थी भैया को, चाहूंगा कि 9000 रुपया डबल कनेक्शन के लिया जाता था उस समय कहाँ था, उस समय 9000 रुपया जो कनेक्शन के लेके दिया जाता था, सुन रहे हैं भैया आप, तेल क्या भाव, भाई साहब आप यहाँ बात कर लीजिए, कह रहे हैं 9000 रुपए रिश्वत ली जाती है, जो भी दिया है देश के मजबूती में, अभी एक पुलिस थाने में अभी बनाएगा बिल, हल्ला बनाएगा देगा साथ में, मैं कह रहा हूँ कि आज नीतीश हो सरकार चाहे लालू प्रसाद हो, आज तक बिहार के लिए कुछ नहीं दिया, मैं भी बिहार वासी हूँ, आज तक डुबो दिया क्या दिया मोदी ने, क्या दिया मोदी ने, क्या दिया मोदी, बहुत दिया मोदी, बहुत दिया, तेल क्या भाव लिया हमने, आज अगर मोदी अगर अनाज भी ना पहुँचाता ना, आप नहीं किसी गरीब आदमी को मदद करने वाले
जरूरत है गरीब आदमी को? 5 किलो अनाज कितने का हो गया? 5 किलो अनाज कितने का आता है? 5 किलो अनाज कितना खाता है? कितने का आता है? कितने का आता है? क्या वैल्यू रखे 5 किलो अनाज? बहुत वैल्यू है, 100 रुपए का लगा, बहुत वैल्यू है। जगह जगह उसको अनाज मिल रहा खाने को, जगह जगह मिल रहा है। बहुत गलत बात बोल रहे हैं कि क्या वैल्यू रखता है। जिसके पास अनाज नहीं है ना, उससे पूछिए वैल्यू क्या होती है अनाज की। जिसको दाना दाने के लिए जो तरस रहा है ना सर, उससे पूछिए। आप बहुत बड़ी गलत बात बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ गरीब, आप अनाज का अपमान मत करिए, अनाज का अपमान मत करिए कि सड़ा हुआ है गला हुआ है, अनाज का अपमान मत करिए। अनाज के एक दिन का पेट में आन दागते हो उसका कितना कीमत होता है? लोगों को गरीब बना दिया। अगर दो रोटी अगर पेट के अंदर मिल रहा है, 12 घंटे आदमी कमा रोजी कर सकता है, आप उसकी कीमत के अंदाजा कैसे लगा दी? उसकी बहुत कीमत है, गरीब है हिंदुस्तान के। एक दाने के मोहताज हो जाता है आदमी, उसको कीमत लाखों करोड़ों में खुद पड़ रहा, जो भूखे हमारे टैक्स है वो खुद पड़ रहा। वो हमें गरीब हो गए 80 करोड़ लोग कह रहे हैं, वो हमें क्या पड़ेगा? 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया मोदी, रोजगार दिया। सही कह रहे होंगे ना, कितने साल कांग्रेस क्या कर रही थी, फिर भी मोदी 10 साल में काफी परिवर्तन लाया है। 80 करोड़ होंगे, कांग्रेस ने ऐसा कर रखा है, पूरे देश का सत्यानाश कर रखा कांग्रेस ने। आज इनकी लुगाई, इनकी लुगाई घर में सब फैसिलिटी ले रही होगी। बढ़वा यही घूम रहे हैं, ठीक है, यही घूम रहे हैं। तेरे को कह रहा हूँ, गाली नहीं, गाली नहीं।